हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैश डे पर कौन कौन सी एक्सरसाइज लगा सकते हैं। मैं सारी एक्सरसाइज जो है बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपने किस तरीके से उसको परफॉर्म करना है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम फ्लैट बेंच प्रेस से। तो आज की हमारी पहली एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच प्रेस, और ये एक्सरसाइज हमारे मिडल चेस्ट के लिए होती है। एक बात और बता दूं, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपने अपनी कमर को इस तरीके से बैंड करना है और फिर जाके अपनी रॉड को उठाना है। आपने वेट को बिल्कुल स्लोली नीचे लेके आना है और स्लोली वेट को ऊपर लेके जाना है, ज्यादा जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। दूसरी बात, आप जब रॉड को नीचे लेके आते हो तो आपने रॉड को बिल्कुल अपने चेस्ट निप्पल के पैरेलल रखना है, जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइंड बारबेल बेंच प्रेस। ये एक्सरसाइज जो है हमारे अपर चेस्ट के लिए होती है। इसमें भी आपने ऐसे ही एक आर्क बनाना है अपनी कमर का, और इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है जैसा मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। आपने बिल्कुल स्लोली वेट को नीचे लेके आना है और स्लोली वेट को ऊपर लेके जाना है, और रोड को आपने अपनी चेस्ट और अपनी नेक के बीच में रखना है जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो। अब मूव करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर थर्ड पर, जो कि है डिक्लाइंड बारबेल बेंच प्रेस। इसमें भी आपने अपनी कमर को पहले इस तरीके से बैंड करना है, फिर आपने धीरे से अपनी रॉड को उठाना है और इसको अपने चेस्ट के निप्पल से थोड़ा सा आगे लेके आना है पेट की तरफ। आप देख सकते हो मेरी रॉड, आप देख सकते हो निप्पल से थोड़ा सा आगे है, जब ये नीचे आ रही है आपको दिखाई दे रहा। तो आपने इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है बिल्कुल स्लो वे में। वेट आपने अपने अकॉर्डिंग उतना ही रखना है जितना आप लगा सको, फालतू वेट लगाने की कोशिश मत करना। अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर फोर पर, जो कि है डंबल फ्लाई। डंबल फ्लाई एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास कम से कम तीन वेरिएशन होते हैं। पहला वेरिएशन तो ये है डिक्लाइन बेंच वाला, उसके बाद आप इसको फ्लैट बना सकते हो, फ्लैट डंबल फ्लाई। उसके बाद आप इसको अपर करके ये हो जाएगा इंक्लाइन डंबल फ्लाई। तो आप किस तरीके से परफॉर्म करनी है और एक किस किस चेस्ट की मसल के लिए होती है वो चीज़ मैं आपको सारी एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं इंक्लाइन। आज की हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है डिक्लाइन डंबल फ्लाई। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपने एक चीज का और ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज में भी आपने अपनी कमर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के रखना है, एक बैंड बनाना है, जिससे फिर आपको अपने मसल के अंदर अच्छा टेंशन मिले। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपने अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा स्क्वीज करना है और नीचे लाते वक्त आपने अपने डंबल को थोड़ा सा खोलना है। तो इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, और ये एक्सरसाइज हमारे लोअर चेस्ट के लिए होती है। आज की हमारी पांचवी एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल फ्लाई। इस एक्सरसाइज को भी करते वक्त आपने अपनी कमर का एक हैंड बना के रखना है, अपनी कमर को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है, अपने ग्लूट्स और अपनी बैक को आपने बेंच के साथ सटा के रखना है, और इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। डंबल को ऊपर लाते वक्त आपने अच्छे से स्क्वीज करना है, नीचे लाते वक्त डंबल को थोड़ा सा खोलना है, और ये एक्सरसाइज हमारे अपर चेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चेस्ट एक्सरसाइज की अगली एक्सरसाइज है हमारी केबल फ्लाई। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं करनी चाहिए, आपने वेट उतना ही लेना है जितना आप लगा सको। और आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूँ, अपनी आर्म्स को देख लो मैं किस तरीके से पीछे लेके जा रहा हूँ। आपने भी इसी तरीके से अपनी आर्म्स को पीछे लेके जाना है और अपनी चेस्ट को आगे की तरफ स्क्वीज करना है, जैसे आप देख सकते हो मेरी मिडल चेस्ट अच्छे से बाहर दिखाई दे रही है। ऐसे ही आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, मसल माइंड कनेक्शन बना के रखना है, वेट कम रखना है और प्रॉपर वे में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अगली एक्सरसाइज है सिटेड केबल फ्लाई। इस एक्सरसाइज में आपने बेंच पे बैठ के इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, अपनी चेस्ट को आपने बिल्कुल ऊपर उठा के रखना है और अपनी कमर को वैसे ही बैंड करना है जैसे आपने बाकी एक्सरसाइज के अंदर किया था, और बिल्कुल स्लो वे में आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है।
आज के चेस्ट वर्कआउट की लास्ट वर्कआउट है ये स्मिथ मशीन। इस मशीन के ऊपर आपने एक ऐसा एंगल फंसा लेना है और इस एक्सरसाइज को इस तरीके से परफॉर्म करना है जैसा मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। इसमें भी आपने अपनी कमर का एक आर्क बनाना है, रोड को आपने धीरे धीरे नीचे लाना है, धीरे धीरे ऊपर लाना है, ज्यादा जोर से मत लाना वरना आपको इंजरी भी हो सकती है। इस एक्सरसाइज को बिल्कुल कंट्रोल वे में कीजिए।